हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेल, मैं लोगों से अक्सर ये बात पूछता रहता हूँ कि भाई कैसे हो, नहीं यार तुम कैसे हो, और बदले में काफी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। और तो और लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई तुम कैसे हो। तो यार देखो, ऐसा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि वो तो आप ही लोग हैं जिनके वजह से आज हमारे चैनल लर्नर बॉय 85,000 यानी कि 85,000 सब्सक्राइबर बेस क्रॉस कर चुका है। और इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल लर्नर बॉय को उस काबिल समझा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनमें से कुछ को देख करके आप हैरान हो जाएंगे, कुछ को देख करके आप परेशान हो जाएंगे, और कुछ को देख करके आप चौंक जाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दीपक जंगरा। अब ये जो बंदा है, हाँ जो स्क्रीन में है वही, हाँ। अब इस बंदे के नाम से तो पता चल ही गया होगा कि ये भारत का है, लेकिन अब प्राउड भी महसूस होगा। ये बंदा जो है उतना भी मामूली नहीं है जितना ये दिख रहा है। इस बंदे में एक काबिलियत है कि ये बिजली को छू सकता है। देखो, ये वो बिजली नहीं है जिसके तुम सपने देखते हो, नहीं, बिजली मतलब विद्युत, विद्युत, हाँ, अरे वो विद्युत नहीं यार जो तुम्हारे घर के बगल में रहता है, नहीं, विद्युत मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, हाँ। और इस बंदे दीपक में इतना क्षमता है, इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि ये लगभग 11,000 वोल्ट के बिजली को सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, और उस दौरान ये बंदा 10 से मस भी नहीं होता। अब इस बात को देखो, समझो, बचपन में ही हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि जो हमारे घरों में बिजली की जो सप्लाई होती है यानी कि विद्युत का जो प्रवाह होता है वो लगभग 230 से लेकर 240 वोल्ट का होता है। तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो इस बंदे में इतना क्षमता है कि लगभग 48 घरों के बिजली के झटके को बर्दाश्त कर सकता है। अगर इतना ज्यादा बिजली आपके शरीर के किसी एक हिस्से को छू देना तो वो हिस्सा बुरी तरीके से जल जाएगा। तो है ना ये हैरान कर देने वाली बात। अभी तो वीडियो शुरू हुई है। पॉइंट नंबर 2, अली हुसैन खान। ये बंदा भी इंडिया का है। हालांकि इस बंदे को देख करके हमें ये महसूस होता है कि हम किसी बुजुर्ग इंसान को देख रहे हैं, लेकिन क्या आप हैरान होंगे अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बंदा महज 14 साल का है। ये कंडीशन, ये सिचुएशन जिसके वजह से ये महज 14 साल का बंदा एक बुजुर्ग इंसान की तरह नजर आता है, उस वजह ने पहले से ही इसके बाकी भाइयों बहनों की भी जिंदगी छीन कर मौत के हवाले कर दिया। दरअसल अली और उसके भाई बहन एक दुर्लभ किस्म के जेनेटिक बीमारी के शिकार है जिसका नाम है प्रोजेरिया। और तो और ये बीमारी इसके बाकी के भाई बहनों की जान ले चुका है। ये बीमारी ऐसी है कि बहुत ही कम उम्र में बच्चों की उम्र ढलना शुरू हो जाती है। और क्योंकि ये बीमारी इतना रेयर है, इतना दुर्लभ है कि जब तक ये पता चलता है कि पेशेंट इस बीमारी का शिकार है तब तक उसकी मौत हो जाती है। आमतौर पर 15 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते जो कि इस बीमारी के शिकार है उनकी मृत्यु हो जाती है, और यही हुआ अली के बड़े भाई बहनों के साथ। अब अली के पास इतनी ही उम्मीद बची हुई है कि 15 साल होने से पहले ही डॉक्टर उसके बीमारी का कुछ इलाज ढूंढ ले। तो यहां पर अब मेरी बात सुन लो, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब इंडिया से बाहर निकलते हैं। पॉइंट नंबर 3, ज़ारा हार्सहोन। तो अब इस मोहतरमा को देख लो, और मेरा आपसे ये सवाल है, तो आपके हिसाब से इन मोहतरमा का क्या उम्र होगा? मे बी 40 साल, कुछ लोग बोलेंगे 45 साल, कुछ लोग बोलेंगे 50 साल, और तो और कुछ लोग बोलेंगे 60 साल, है ना। लेकिन तब क्या, अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो मोहतरमा है ये एक स्कूल गर्ल है, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है, और इनका उम्र केवल 16 साल है। क्यों, हैरानी हुई ना? मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस वीडियो को देख करके आपको जरूर हैरानी होगी। दरअसल महज 16 साल की ये लड़की इंग्लैंड की रहने वाली है, और ये एक दुर्लभ किस्म के बीमारी की शिकार है जो कहलाता है लाइपोडिस्ट्रोफी। और इस बीमारी में शरीर की त्वचा यानी कि स्किन झुर्रियों से भर जाती है जैसे एक 60 साल के व्यक्ति का होता है। कई बार ये स्कूल जाने वक्त जो लोग इन्हें नहीं जानते वो ये सोचते हैं कि ये स्कूल की टीचर है, और ज़ारा खुद ये बात बताती है कि जो लोग इन्हें जानते हैं वो उनके इस हालत को लेकर के काफी मजाक बनाते हैं। यार तुम किसी का मजाक उड़ा कैसे सकते हो, खास तौर पे ऐसे शख्स का जबकि तुम जानते हो कि उसकी खुद की ये हालत के पीछे वो खुद जिम्मेदार नहीं है। हाल ही में ज़ारा ने एक स्किन सर्जरी करवाई है जिसमें उन्होंने अपने स्किन को अपलिफ्ट करवाया है यानी कि अपनी त्वचा को ऊपर की तरफ उठवाया है, जिसके वजह से ज़ारा अब थोड़ी कम उम्र की नजर आती है। सस्पेक्ट नंबर 4, एलिसनी सिल्वा। अब आप तो ये बात बोलोगे कि इन मोहतरमा में क्या है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दुनिया की सबसे लंबी लड़की है। ये मोहतरमा ब्राजील की रहने वाली है। दरअसल इन मोहतरमा के पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर है जो कि किसी भी इंसान में उसके ग्रोथ यानी कि शारीरिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि एक सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने उनके ट्यूमर को हटा दिया, निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद महज 17 साल की उम्र में इन मोहतरमा की हाइट 6 फुट 8 इंच है। लेकिन इससे भी विचित्र बात तो ये है कि इनका जो बॉयफ्रेंड है उनका हाइट 5 फुट 4 इंच है और वो 22 साल का है, और दोनों साथ में चलते हुए कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। ये मोहतरमा अपने बारे में बताती है कि हालांकि इतनी ज्यादा हाइट की वजह से इन्हें रोजमर्रा की काम करने में खासा दिक्कतें होती है, जैसे कि किसी कार में बैठना, कहीं ट्रैवल करना,
या फिर कहीं किसी घर में जाना जहाँ पर दरवाजा छोटा हो, या फिर किसी कॉम्पैक्ट एरिया में खड़ा होना, या फिर लिफ्ट से अप डाउन करना। इन सारी चीजों में इन मोहतरमा को तो दिक्कत होती है, लेकिन अब इन सारी चीजों की इनको आदत सी हो गई है। अरे वीडियो में मजा आ रहा है ना, तो ठोक दो भाई लाइक दे दो इस वीडियो को, क्या दिक्कत है। तो यार अभी तुरंत इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। सस्पेक्ट नंबर 5, जूलिया विंस। यार देखो क्या है ना कि मैं बहुत सारे आर्टिकल पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीजों में रिसर्च करता हूँ, बहुत सारे वीडियो देख रखा है, बहुत सारे लोगों को देख रखा है, लेकिन ये जो मोहतरमा है ना मेरे भाई, ये अजूबा है। जूलिया विंस, ये मोहतरमा पूरी दुनिया में मसल बारबी के नाम से फेमस है, और ये सबसे ज्यादा फेमस अपनी खुद की कंट्री ब्राजील में है, जहाँ पर इनके कई ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और इनको एक मस्कुलर सेलिब्रिटी का भी खिताब मिला हुआ है। जूलिया के माने तो वो बताती है कि वो महज 15 साल की उम्र से ही जिम करना शुरू कर दी थी, और उन्होंने ये भी बताया कि इतनी कम उम्र से जिम शुरू करने का मकसद बस इतना था कि वो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहती थी। इनका ये खूबसूरत और मासूम शक्ल और इसके साथ ये खतरनाक जिस्म यानी कि बॉडी, इस कॉम्बिनेशन ने दुनिया भर के बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतों का सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और आज ये मोहतरमा वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन भी है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, मान लो ये जो मोहतरमा है जूलिया विंस, मान लो ये आपके खिलाफ है, आपकी विरोधी है, यानी कि आपकी दुश्मन है, और अखाड़े में आपकी इनसे लड़ाई होने वाली है, तो इनका ये खूबसूरत सा मासूम सा चेहरा देख करके आप वहाँ पर उस वक्त क्या करोगे? आंसर लिखो कमेंट में, जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं अगले वीडियो में उसको शो करूंगा। पॉइंट नंबर 6, लोला और क्लेयर हार्ली। ये दोनों बहनें 9 साल और 14 साल की हैं, लेकिन ये दोनों बहनें मुश्किल से अपनी माँ की गोद में बैठ पाती हैं। इन दोनों बहनों को मिला करके भी इनका वजन 19 किलो से ज्यादा नहीं है, और दोनों का हाइट मिला करके 5 फीट है। दरअसल ये दोनों बहनें एक जेनेटिक कंडीशन यानी कि एक बीमारी के साथ पैदा हुई है, जिसका नाम है माइक्रोसेफेली। इस बीमारी का पहचान है कि इस बीमारी में जो बच्चा होगा उसका जो स्कल होगा, उसका जो खोपड़ी होगा, जो हड्डी होगा, उसका आकार नॉर्मल से छोटा होगा, और जिसके वजह से जो मस्तिष्क है वो भी छोटा होगा, और इन सारी चीजों की वजह से उस बच्चे को सीरियस मेंटल डिसऑर्डर भी होगा उसको, यानी कि वो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर होगा, विकलांग होगा। लेकिन इन दोनों बहनों के केस में ये परेशानी दोनों को है, और कई बार ये दोनों लड़कियां दिन भर बच्चों की तरह रोते रोते गुजार देती है। पॉइंट नंबर 7, मार्नी हार्वी। अब ये जो मोहतरमा है, ये जो लड़की है, ये महज 16 साल की है, लेकिन इन मोहतरमा के पास जो काबिलियत है वो बहुत अजीब है। इनकी खासियत ये है कि ये जब भी रोती है तो इनके आंखों से आंसू के बदले खून निकलता है। इस चीज की शुरुआत तब हुई जब ये महज 13 साल की थी, और एक दिन खांसते इनके मुंह से खून आना शुरू हो गया, और फिर क्या था, खांसते फिर इनके आंखों से भी खून आना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर तो कहानी की शुरुआत थी, उसके कुछ वक्त बाद ही इनके नाखून से, इनके नाक से और इनके कानों से भी खून आना शुरू हो गया, और इनको कई बार ये सारी चीजें दिन में 5-5 बार भी होती है। जब इनके शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून आना शुरू हुआ तो इनके माँ बाप ने हर तमाम कोशिश की, हर वो पॉसिबल कोशिश की जिससे इनकी ये बीमारी ठीक हो सके, लेकिन कई बार ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो टेस्ट था उनका रिजल्ट नेगेटिव आया, यानी कि डॉक्टर्स को ये बात नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर इन मोहतरमा को क्या परेशानी है, आखिर किस वजह से इनके शरीर के अलग अलग अंग से खून निकल के आता है, और फिर इन सारी चीजों के वजह से इनको माइग्रेन का भी प्रॉब्लम हुआ, और इसी वजह से इनको अपनी पढ़ाई आधी में छोड़नी पड़ी। पॉइंट नंबर 8, जॉर्जिया ग्रीन। अब देखो ये जो मोहतरमा है, ये जो लड़की है, इनके पास जो एबिलिटी है ना वो बहुत स्पेशल है, और आप चाहते हो ऐसा एबिलिटी पाना लेकिन आप नहीं पा सकते। ये मोहतरमा का स्पेशलिटी ये है कि ये अपनी काबिलियत के वजह से स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से भी जानी जाती है। दरअसल महज 16 साल की ये लड़की एक तरह के स्लीपिंग डिसऑर्डर से गुजर रही है, जिसे हम बोलते हैं क्लाइन लेवन सिंड्रोम, और जिसके वजह से ये मोहतरमा 10-10 दिन तक भी सोई रह जाती है। तो मान लो, नहीं मान लो क्योंकि ये होता है, तो अगर ये मोहतरमा सोने के लिए अपने बिस्तर में जाएंगी तो अगले 10 दिन बाद उठेंगी, और पता सबसे मजेदार बात क्या है कि इन्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, और अपना क्या है, रात में सोया नहीं जाता, सुबह उठा नहीं जाता, और दिन भर जागा नहीं जाता, अपनी जिंदगी तो ऐसी ही है। लेकिन इन मोहतरमा को देखो, इनको डिस्टर्ब किया नहीं जाता। वाह वाह, इन मोहतरमा के साथ 10 दिन सोने वाला किस्सा तब शुरू हुआ जब ये महज 14 साल की थी। जब इनके साथ ये चीज हुआ तो इनके भी पेरेंट्स ने इनकी पूरी जांच करवाई, लेकिन डॉक्टर्स को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये डायग्नोस कर पाए कि आखिर इस बीमारी के पीछे क्या वजह है। ये मोहतरमा खुद बताती है कि जब इनको सोने वाला अटैक आता है तो इनको ये महसूस होता है कि ये बहुत ज्यादा नशे में है, और ये खुद के ऊपर काबू नहीं कर पाती, और एक बार जब इनको उठाया नहीं गया तो ये लगभग 13 दिनों तक सोती रही, और इस दौरान जब ये उठती है तब ये नींद में चलने वाली सिचुएशन में होती है, और उस वक्त या तो ये थोड़ा बहुत खाती पीती है या तो बाथरूम यूज करती है।
अब सबसे पहले मेरी बात सुन लो कि यारो देखो गुस्सा नहीं करना, क्या है ना कि मुझे पता है आप लोगों के कई सारे रिक्वेस्ट है, आप लोगों की ख्वाहिशें हैं कि मैं आपके दिए हुए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन सीरियसली क्या करूं यार, बहुत सारे रिक्वेस्ट है, सबके रिक्वेस्ट को पूरा करना है, तो प्लीज थोड़ा सब्र रखो। तो चलो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज का वीडियो भी खत्म होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियो की तरह अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो टारगेट रखते हैं 800 लाइक्स। यार 800 लाइक्स उतना तो दे ही सकते हो यार, 800 लाइक्स दे ही सकते हो। और इस वीडियो को अपने फेसबुक में शेयर जरूर करना ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। यार देखो बाकी लोगों को पता चले वो तो एक चीज है, लेकिन इससे हमारा बहुत फायदा होता है। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि भैया कर लो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।